आप ऐसा मान के चलिए कि अगर आप 10th के बाद 11th 12th में आए तो आपको ये सोचना होगा कि आपके घर में यज्ञ स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि जब तक यज्ञ चलता है तब तक आप उठ नहीं सकते। दैट मीन्स कि अगर ये 2 ईयर का कोर्स है IIT के, तो 2 ईयर तक आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा ही आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में तो हम काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है कि 10-12 साल हो गया होगा, है ना। हम जब स्कूल में थे तभी से हम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए थे, और वहीं से पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाने का जो इंटरेस्ट आया मेरे को, और हम इसको कंटिन्यू करते गए। मैम, ये बहुत शानदार फील्ड है, बहुत मज़ा आता है इसमें काम करके। शिक्षा में काम करने का मेन मकसद यही है कि हम जब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे, तो देखिए सबसे पहले ना एक दो इंसिडेंट्स हुए। जैसे एक बच्चा है, उसका एकलौता है, उसके मम्मी पापा जो हैं सो उसको एक ही रखे, इसलिए क्योंकि उसको अच्छे से परवरिश कर सके। बट जब वो स्कूल जाया करता था तो किसी कारण से, एक होता ना कि अच्छा सराउंडिंग्स नहीं मिलने की वजह से, वो थोड़ा इतना गोरा बच्चा था कि मतलब उसकी मम्मी बोलती थी कि लाल दिखता है। बट वो खेलते कूदते सर माहौल ख़राब हो गया और फिर उसका चेहरा जो है सो फेड पड़ने लगा। तो मेरे को बोला गया कि इसको आप अच्छे से देखिए। हम उसके पीछे इतना मेहनत किए कि वो बच्चा मतलब इतना अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और बहुत अच्छा करने के बाद में ये हुआ कि उसकी मम्मी आज के डेट में भी बोलती है कि हम जब चले जाते हैं तो बोलती है, हम जब आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम तो झूठ का प्रणाम करते हो, क्योंकि हमको तो लगता है कि मेरे लिए भगवान तुम। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा मेरे को मोटिवेट करता है कि हम अगर ये काम कर रहे हैं। देखिए, पैसा तो किसी भी फील्ड से कमाया जा सकता है, लेकिन ये करके जो पैसा आता है और जो रेस्पेक्ट मिलता है, ये किसी फील्ड में नहीं आ सकता है। और बस यही काम है, यही कारण है कि हम इसमें कंटिन्यू लगे हुए रहते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं 11th 12th, इंजीनियरिंग लेवल का बच्चों को पढ़ाते हैं। मैम देखिए, वो एक दौर था जब ऑफलाइन से बच्चे जो हैं सो ऑनलाइन की ओर आए। बट मेरे हिसाब से, पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है, हम और सबका नहीं जानते हैं, ऑफलाइन मोड जो है सो उसका कोई अपवाद नहीं हो सकता है। वो किसी भी कारण से कोरोना आया, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, लोग लौट रहे हैं, क्योंकि क्लास में जो इंटरेक्शन होता है ना, ये ऑनलाइन में नहीं हो पाता है, और यही इसका एक मेन चीज़ है जो सबसे अच्छा इसको बनाता है। तो ऑफलाइन मेरे हिसाब से लगता है कि ऑनलाइन इसका कभी भी बराबरी नहीं कर सकता। मैम बस एक बात होता है कि देखिए, लाखों बच्चा सपना देखते हैं IIT करना है, इंजीनियरिंग करना है, बट पूरा उसका होता है जो पूरा डेडिकेशन के साथ। बस हम एक बात इसका एक एग्जांपल से समझाते हैं कि ऐसा मान के चलिए कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो फिर आप सपना नहीं देखेंगे। आप ऐसा मान के चलिए कि अगर आप 10th के बाद 11th 12th में आए हैं तो आपको ये सोचना होगा कि आपके घर में यज्ञ स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि जब तक यज्ञ चलता है तब तक आप उठ नहीं सकते। दैट मीन्स कि अगर ये 2 ईयर का कोर्स है IIT के लिए, तो 2 ईयर तक आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको सेक्रीफाइस भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। मैम देखिए, समय समय पे बदलाव तो आना ही चाहिए। बस ये बात है कि अगर बदलाव पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा हो। अभी इसके बारे में जल्दीबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से। चीज़ों को देखना पड़ेगा समय के साथ में, कैसा क्या हो रहा है इसको देखने के बाद में ही कुछ कहना अच्छा रहेगा। सर, आप अपना कोचिंग सेंटर चलता है, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मैम, हम बेसिकली अभी बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं करते हैं, हम घर में पढ़ाते हैं और मैथ्स पढ़ाते हैं। पिशका मोड़ में है मेरा सेंटर है, तो हम ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे पहले गुरुकुल हुआ करता था, ऐसे पढ़ाते हैं। आज भी आप मानेंगे नहीं कि बच्चे जब पढ़ करके जाने लगते हैं तो लास्ट में दोनों हाथ से दोनों पाँव छू करके जाते हैं। आज भी ये चीज़ है,
बहुत सारे टीचर जब आते हैं मेरे पास पढ़ाने के लिए, तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चों से मिलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बोल देते हैं कि अर्णव सर से पढ़े हो क्या, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अर्णव सर ऐसा बताते हैं और ये बच्चा ऐसा किया है, डेट मीन्स कि तो पढ़ाना तो हम करते ही हैं, पढ़ाते हैं, सो एक अलग चीज़ है। आज बहुत ज़रूरत है कि जो पढ़ाई हो, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, ये चीज़ नहीं आ रहा है। आज देख लीजिए ना, 11th 12th के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, 10th क्लास के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि पढ़ाई में शिक्षा का योगदान बहुत होता है और ये कर नहीं पा रहे हैं। अगर ये होता और अगर शिक्षक अच्छे से मेहनत करे तो समाज अच्छा बनेगा, और हम इसी के लिए मेहनत करें। मेरा ऐसा मानना है कि हम कुछ भी काम कर सकते थे अर्निंग के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, लेकिन ये जो काम है ना, ये बहुत खुशी देता है कि इसमें हम कुछ कर पा रहे हैं। हम इसमें दिन भर इज्जत पाते हैं, रेस्पेक्ट मिलता है। हम बच्चों को जब बनाते हैं और उसके पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि सर आपकी वजह से ऐसा, तो फिर अपने को बहुत खुशी होती है। फिर लगता है कि हम कितना भी थक जाएंगे लेकिन हम थका हुआ फील नहीं करते। हम कॉन्टेक्ट नंबर हम बोल सकते हैं अपना, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8825162072। अर्णव सर मैथमेटिक्स 11th 12th के लिए जुड़ सकते हैं।